एक बाबा देखे होंगे आपने टेलीविजन पर, कृपा वाले बाबा, निर्मल बाबा, समोसे की कृपा। कहा निर्मल बाबा की ही बात कर रहा हूं। पिछले दिनों मेरे मोहल्ले का एक लड़का चला गया निर्मल बाबा के दरबार में, बाबा मेरी लुगाई मुझे प्यार नहीं करती। बाबा बोले मेरी कौन सी करती थी, अगर करती होती तो क्या मैं बाबा हो जाता? तू बता तेरी समस्या क्या है। बाबा 5 साल शादी को हो गए, बस प्यार नहीं करती। अच्छा तू उसके बनाए हुए खाने की प्रशंसा करता है? बाबा नहीं करता, तेरी कृपा वही अटकी। अगला आदमी समझ गया घरवाली के खाने की प्रशंसा कर दो वो बदले में प्यार मिलता है। घर पहुंचा, घरवाली ने दही से पराठे खिलाए, प्रशंसा करनी थी। पड़ोसी के पराठे निकले, ऐसा दही तो मैंने कभी खाया ही नहीं। क्या पराठे बनाए हैं, ऐसा लगता है जिन हाथों ने ये पराठे बनाए हैं उन हाथों को चूम लू। घरवाली को लगा कुछ ज्यादा ही चढ़ा रहा है, पलट के 1 लात मारी। निकम्मे 5 साल से बना बना कर खिला रही थी, तूने एक दिन भी मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी से 2 पराठे क्या बनवा दी, तू तारीफ पे तारीफ किए चला जा रहा है। तो ये आदमी बड़ा फितरती हो गया है। अच्छा आजकल देख रहे होंगे आप 16 चैनलों पर 17 बाबा जी। मैं तो पिछले दिनों 1:30 बजे के करीब कवि सम्मेलन से लौट करके आया, मैंने जैसे ही टेलीविजन ऑन किया तो एक बाबा का प्रवचन चल रहा, पहली पंक्ति सुनो चक्कर खा जाओ, 1:30 बजे बाबा का प्रवचन चल रहा है, अगर चैन से सोना चाहते हो तो जाग जाओ। प्रभु ये कौन सा सोना है, सोने के लिए जगना पड़ेगा। 1.5 घंटे तक प्राण पीते रहे, फिर गेर हुआ वस्त्र लंबी दाढ़ी वाले बाबा और प्रकट हुए 3:30 बजे के आसपास। मूर्ख अब तक सो रहा है। बाबा मैं अभी कहां सोया, अभी मैं कहां सोया था, 12:30 बजे तक तो मल्लिका सिलावत नहीं सोने दी थी, फिर वो तेरे गंजे वाले दोस्त आ गए। सर इधर बैठे हुए हैं, इधर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साधु भाई। अच्छा आदमी के सर पर केवल 2 ही महिलाएं हाथ फिरा सकती है, माँ फिरा सकती है या पत्नी फिरा सकती है। माँ हाथ फिराती है तो बाल बनते हैं। पत्नी फिराती है तो मामला ऐसा। फिर तुम्हारे वो गंजे वाले दोस्त आ गए और अब बाबा तुम आ गए, मैं अभी कहां सोया हूं। और जैसे ही 4:30 बजे कि लाला रामदेव शुरू। हाँ उनको बाबा नहीं कहा जा सकता, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जिसको बना के बेच दिए। लाला रामदेव शुरू, इधर गली में फू, उधर गली में फू, इधर गाल में, इधर पार्क में फू। किसी को पूछो क्या कर रहे हो, कपाल भाती कर रहे हैं। अरे बाहर में गई कपाल भाती, मेरे 85 साल के ताऊ जी एक दिन अलती पलती चार पाई पर बैठे मारे सुबह ही सुबह। अरे मैंने की आत्मा निकल के बाहर, आत्मा निकल करके बाहर आ जाएगी, थूकू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा का भी सब गजब काम है। पिछले दिनों मेरे मोहल्ले में एक बुड्ढा शांत हो गया सर, 90-95 साल का। अपन हिंदू संस्कृति में 13 दिन तक शोक मनाते हैं, दुख व्यक्त करने के लिए एक दूसरे के यहाँ आना जाना रहता है। मैं भी उसके घर गया दुख व्यक्त करने के लिए, मैंने सदियों पुराना घिसा